हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो यार, अभी जैसे कि अपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा जो हिसार का मास्टर प्लान है 2041 का, उसके अंदर हमारा जो नया बस स्टैंड बनेगा। हाँ, आपने सही सुना, हिसार के अंदर आने वाले टाइम के अंदर नया बस स्टैंड बनने वाला है। तो उसके बारे में अपडेट निकल के आया। अब वो कहाँ पे बनेगा, एयरपोर्ट रोड, रायपुर रोड कहाँ पे बनेगा, वो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है। और अभी उसकी बातचीत वगैरह चल रही है, बनेगा तो कंफर्म है, लेकिन अभी अपडेट वगैरह निकल के आई है तो मैं सोचा आप सभी के साथ शेयर करूँ। और भी काफ़ी सारी अपडेट आई है तो वीडियो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। जैसे मंडे को आप देख रहे हो, जिस दिन संडे है तो मंडे को नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो भी अपडेट से रिलेटेड आएगी, तो मैं कल बता दूंगा आपको। तो अब चलिए फिर, अभी बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस मैं आपको यार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर अभी चलते हैं आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो अभी डिस्कस करते हैं कि कौन सी क्या न्यूज़ निकल गई है। तो चलिए फिर, अभी मैं सिंपली अपने मोबाइल की गैलरी ओपन करता हूँ और वहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या न्यूज़ है। तो चलिए फिर अभी चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, रायपुर रोड पर बस स्टैंड लघुवास न्यू कैंपस के पास 100 हेक्टेयर में एजुकेशन सिटी का प्रस्ताव, यानी नया बस स्टैंड बनेगा और लघुवास न्यू कैंपस के पास 100 हेक्टेयर का जो एजुकेशन सिटी है वो भी प्रस्ताव है। तो आगे डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सिटी के मास्टर प्लान 2041 में नए बस स्टैंड अड्डे के लिए, यानी नया बस स्टैंड अड्डे के लिए रायपुर रोड या एयरपोर्ट रोड पर बनाने का प्रस्ताव है। तो हिसार में अभी न्यू बस स्टैंड भी बनेगा 2041 के मास्टर प्लान के हिसाब से, अभी वो देखा जा रहा है अप्रूव्ड रोड पे या फिर एयरपोर्ट रोड के पास बनना है। मास्टर प्लान पर डीसी डॉक्टर प्रियंका सैनी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों की मीटिंग हुई। डीटीपी ने मास्टर प्लान के ड्राफ्ट प्रपोजल पर चर्चा करके इसमें करीब 18 बिंदुओं पर बदलाव को लेकर निर्देश दिए हैं, यानी जो 18 बिंदु उनको बदलाव के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिन नई साइट्स का चयन किया है, यानी उन्होंने नई साइट के चयन किया है, उससे संबंधित विभागों के दावे आपत्तियों 1 सप्ताह में मांगे जाएंगे, यानी अगर किसी के दावे वगैरह आपत्तियां हैं तो वो 1 हफ्ते के अंदर बता दें। और आगे नई बिंदुओं में रायपुर रोड पर ड्राईपोर्ट के निकट बस स्टैंड के लिए 50 एकड़ ज़मीन का प्रस्ताव है, यानी जो अपनी बस स्टैंड बनेगा नया वाला, तो उसके लिए जो 50 एकड़ है उसके लिए प्रस्ताव है। सिविल अस्पताल और बस स्टैंड के लिए सेक्टर 21 के निकट एयरपोर्ट रोड पर ज़मीन प्रस्तावित है, यानी ज़मीन वगैरह तो है इनके पास। जीएम रोडवेज से दोनों में से उपयुक्त जगह के लिए 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगे, यानी इन्होंने रिपोर्ट वगैरह मांगे। सीनियर डीटीपी मोहन सिंह ने बताया कि सिटी के मास्टर प्लान 2041 को लेकर प्रपोजल तैयार किया गया है, इस पर विभागों को से 1 सप्ताह में दावे आपत्तियां मांगी हैं, यानी जो आपत्ति वगैरह है वो मैंने बता दिए हफ्ते के। कुछ बिंदुओं पर प्लान में बदलाव किए गए हैं, विभागों से दावे आपत्तियां मिलने के बाद प्रपोजल को मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा। तो यार ये अपडेट थी अपनी, जो अपना क्या बोलती हिसार के अंदर न्यू बस स्टैंड बनेगा एयरपोर्ट के पास, अभी वो देखेंगे, इसके ऊपर जैसी अपडेट आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फिर भाई, आउटरो में बात करता हूँ, वहाँ पे मैं बात करता हूँ। तो यार जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो अपना रायपुर या एयरपोर्ट रोड पे, वहाँ पे और भी जो अपना क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बस स्टैंड भी बनेगा, उसकी प्रपोजल वगैरह भी भेज दिया जाएगा। 1 हफ्ते का इन्होंने टाइम मांगा है कि आपको कोई आपत्ति वगैरह हो, कुछ करेक्शन वगैरह करना हो और भी कुछ करना हो, तो 1 हफ्ते के बाद इसको मुख्यालय भेज दिया जाएगा। उसके बाद यार आने वाले टाइम में ना काफ़ी सारे नए नए प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं हिसार के अंदर, और ट्रेन वगैरह का भी अपडेट निकल के आया। एक ट्रेन भी चल रही है, काफ़ी मस्त वाली ट्रेन है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो यानी अपना जो हिसार है वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके, और आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने वाले हैं हिसार के अंदर। तो यार आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।